place your baby, है ना, on a soft surface, pressing up. उसके बाद उसको खेल जो है, आपने oil लिया, ये take the oil, warm up your hands, है ना, ठंडा नहीं होना चाहिए हमारे हाथ, एकदम baby को soft और comfortable feel होना चाहिए, warm feeling आना चाहिए. तो हम ये start करेंगे like this, okay? Light strokes. पहले एकदम से नहीं कि pressure से जोड़ गए. सब light strokes भी मिलिए in the starting. ऐसे देखें, हमको तो उसको लिटा के रखना है, लेकिन हम आपको ऐसे दिखा रहे हैं, ओके, लाइक दिस, ओके, और फिर, वी विल एंजॉय, वी शुड एंजॉय द मसाज, वी आर गिविंग, ओके, आप बुक में भी देख सकते हैं, उस बच्चे का चित्र दिया है, ऐसे एकदम मुस्कुराता हुआ है, हाँ, ही सो हैप्पी, यू कैन सी, ओके, पहले हम मसाज, ठीक है, ऐसे हमें फर्स्ट स्ट्रोक हमें जैसे लेना है, जैसे और ऐसे शोल्डर पे हम जब जाएंगे व्हेन वी गो ओवर द शोल्डर देते जाएंगे
देना है. ओके, इससे क्या क्या होता है? ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, जो हाथ पैर से बच्चा खेलता है थक जाता है, उसके हाथ का भी दर्द होगा, मोटी रिलीव हो जाएगा. फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी ऑर्गन्स, जो इंटरनल ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है वो भी मसाज से इंप्रूव होती है. जब भी हम स्ट्रोकिंग करते हैं तो अंदर के वाइटल ऑर्गन्स भी हेल्दी फील होते हैं, हेल्दी होते जाते हैं. अब हम स्टमक पे आते हैं. स्टमक पे हमें कैसे मसाज स्टार्ट करना है? टमी जो उसका बोलते हैं, टमी में हमें एज यू कैन सी हमें एक साइड से मसाज स्टार्ट करना है. इफ इज हैंड को करते हैं एंड नाउ स्टार्ट विद Start from one side. Start with one hand. Continue with the other hand. Do not stop. With the rhythmic movement, आपको मसाज करनी है कभी भी. एक रिदम आपका डेवलप होना चाहिए. ठीक है? Now this side, then the other side. 6 to 7 times is enough. Not so much also. बहुत ज़्यादा भी नहीं करना है. और बिल्कुल light pressure. Oiling हमेशा oiling का ध्यान रखना. Oil कम ना हो जाए. Oil को हमें ये हो गया आपका. देन हमें डमी भी कैसे लेना है? सर्किलर मूवमेंट्स कैसे लेंगे? आपका जो हैंड है वो उसका पूरा डमी कवर कर लेगा. ठीक है, तो आपने एक से सर्कुलर स्टार्ट किया, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर सेकंड, फर्स्ट ना लाइक दिस, ऐसे लाइक लाइक दिस, देन दूसरा, फिर पहला हाथ, ऐसे आपका कंटिन्यूस मूवमेंट होता जाएगा सर्क्यूलर क्लॉकवाइज. आप मेरे प्रॉपर मूवमेंट करते रहे 4 to 5 times, 6 times. ओके, देन जब आपका ये हो गया उसके बाद आपको इसको ऐसे करना है, अप टू डाउन इसको हल्के हल्के लेके आना है 4 to 5 times. ओके, क्योंकि बोन तक लेके आना. ओके, टेकिंग केयर नॉट टू डिस्टर्ब द नेवल इफ इट इज नॉट नीड. अगर नेवल अभी बच्चे का बहुत सॉफ्ट है फर्स्ट 3 months में, तो हमें नेवल पे नहीं प्रेशर देना है, उसके अराउंड ही हमें चीज़ें करना है अपना प्रेशर वाला. ठीक है, देन उसके बाद आता है हमारा बैक. बैक मसाज के लिए हम बेबी को उल्टा लेटा देते हैं. इट शुड बी कम्फर्टेबल. आप उसका देख लो कि हेड जो है वो ऐसा रहना चाहिए, या तो उसका हाथ से सपोर्टेड रहे, या तो आप रख लीजिए नीचे, गर्दन के नीचे रख के उसके सांस ना रुके. ये आपको बहुत खास ध्यान रखना है. कभी भी बच्चा है वो खुद उसका चीज का नहीं ध्यान रख सकता है, वो हमें ध्यान नहीं रखे उसको ऐसे होल्ड करें, इतना गर्दन मूवमेंट नहीं कर रहा है इसलिए. हाँ अच्छा, ओके, सो नाइस. एक साइड पे आप गर्दन को कर सकते हैं, है ना. नाउ वी विल स्टार्ट विद द बैक. अप्रोप्रिएट प्रेशर देंगे अच्छे से स्पाइन के दोनों तरफ, स्पाइन के दोनों तरफ अच्छे से हम प्रेशर करते हुए नीचे पूरा अप टू डाउन फिर तक लेंगे, पूरा नीचे तक पैर चलेंगे 5 to 6 times. ओके, देन वी गो फॉर बटक. बटक मसाज को भी लाइट टैपिंग करो आप उसके, और टिकल भी आप कर सकते हो. जैसे आप बेबी है उसको खेलना भी अच्छा लगता है, तो आप उसको धीरे धीरे से घुटघुटी भी करोगे तो इट विल गुड इन बिटवीन. मतलब उसको अच्छा लगना चाहिए, इट शुड नॉट क्राई. अगर बीच में रोने लग जाते हैं तो आप ऐसी कुछ टेक्निक कर सकते हो जिससे कि वो वापस से हैप्पी मूड में आ जाए. ठीक है, अब बटक्स है तो बटक्स पे भी आपको प्रेशर थोड़ा सा हल्का ज़्यादा देना है. बटक्स में क्या होते हैं, मसल थोड़े से अच्छे होते हैं, सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, तो आप यहाँ पर प्रेशर दे सकते हो. यहाँ पे प्रेशर से साथ आप नीचे से पूरे थाई एरिया कवर करते हो, पूरा आप ला सकते हो. फिर इवन पैरों में भी आपको सारे टोर्स को कवर करना है. ठीक है, बिकॉज यू आर रिमेंबर योर जर्नी में एक्यूप्रेशर मसल, तो हल्के हल्के आप एक्यूप्रेशर की कॉन्सेप्ट यूज कर दो, सो इट विल डू वेरी गुड. ओके, नाउ देन अगेन हमने अब अपने बेबी को सीधा लिटा दिया. सीधा लिटा के अब हमें कौन सा पार्ट देखना है? फ्रंट ऑफ द थाई, तो फिर से आपने ऑयल लिया, देन आपने थाइस को खोला एंड देन ओके प्रेशर के साथ उसको
आउटवर्ड फोन लो इसको देखिए और उसके बाद नी पे हमें कभी भी किसी जॉइंट पे प्रेशर नहीं देना चाहिए किसी भी जॉइंट पे प्रेशर देंगे तो दिक्कत हो सकती है इट इज नॉट राइट और जब हम इसको ऐसे करके लेकर आएंगे तो नी के पीछे हम इसको यहां पर ले